हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम है विकास कुमार, मैं हूं आपका एनिमेशन मैन। गाइस आज के लेक्चर में हम इस पे सॉकेट के बारे में जान लेंगे, ठीक है। ये सॉकेट होता क्या है, सॉकेट हैरान, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी करूँगा जिससे कि डुप्लीकेट हो जाए। थोड़ा ऊपर ले लूँगा ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पे लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू गाइस यहाँ से मैं जीरो कर दूंगा, ठीक है। तो जीरो करने के लिए मैं जाऊँगा मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू थी डिफॉल्ट हो चुकी है। इसके बाद मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, क्रिएट के अंदर जाऊँगा, क्रिएट कर्व टूल और सीवी कर्व टूल। इसके बाद यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा, यहाँ पर ऐसे, और इसको ऐसे कर दूंगा और एंटर। ओके गाइस, थोड़ा सा इसको, अब इसका सेंटर पॉइंट लेता हूँ, टूल में यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सेंटर पॉइंट थोड़ा यहाँ पे कर लूँगा इसको ऐसे, और इसको भी यहाँ से मैं डिफॉर्म कर दूंगा, ठीक है, मॉडिफाई से फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन टूल, ठीक है। अब इसको इतना होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट दबा के, और मैं पी दबा देता हूँ। जैसे ही मैं पी दबाऊंगा, अब आप देखोगे इससे एक से दूसरे से सिलेक्टेड हो जाएगा, यह अलग है और ये अलग है गाइस, क्लियर। ये इसके साथ है और ये अलग। अब मैं इनके नाम देना स्टार्ट कर देता हूँ, कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, क्लियर। अब मैं करता हूँ यहाँ पे शोकिड, SHOCKED, शोकिड अंडर स्कोर, ऐसे छोटे को करूंगा इसको, SHOCKED अंडर स्कोर। इसके बाद कंट्रोल्स कैप्स लॉक ऑन, CONTROL कंट्रोल। अब थोड़ा आगे चलता हूँ, थोड़ा आगे चलने से पहले गाइज मैं क्या करता हूँ, आपको इसमें कुछ चीज़ मैं आपको बता देता हूँ एक टेम्पलेट के बारे में। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक। ओके गाइज, इनको सेलेक्ट करने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पे एडिट के अंदर, एडिट के अंदर मेरे को मिलेगा चैनल कंट्रोलर। इसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जो देख रहे हो नन केवल मिडन, ओके। तो ये मीडियम है जो, तो मिडन के नीचे हम कर लेते हैं थोड़ा, और मिडन को जैसे मैं ट्रैक नीचे कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा टेम्पलेट। तो गाइस मैंने टेम्पलेट लिया, ये टेम्पलेट को, ये आकार जो होता है आकार एक नमूने के तौर पर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मूव कर दूंगा, तो जैसे मैंने मूव किया आपको टेम्पलेट यहाँ पे शो हो गई। ओके गाइस, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको ऑन, ON और एंटर, ठीक है। अब आप, मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये जो मैंने टेम्पलेट बनाई, जो नमूना बनाया है, ये सेलेक्ट नहीं होगा, क्लियर गाइस। तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, देखो नहीं हो रहा है ना, तो मैं इसको अंडू कर लूँगा गाइस, कंट्रोल जेड, इसको कर दूंगा यहाँ से OOFF एंटर। ओके ठीक है, अब जब हम इस पर काम करेंगे इसको हम बाद में यहाँ से ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, नाम हमने दे दिए इसके, मैं इसको फिर सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल डी, फिर से डुप्लीकेट, थोड़ा सा स्केल कर लूँगा हल्का सा, और कंट्रोल डी करूँगा फिर से स्केलिंग, कंट्रोल डी, ओके। और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा स्केल कर लूंगा वाई में, अब इसको भी थोड़ा, इन दोनों को भी स्केल कर लूंगा हल्का नॉर्मली,
अब इन सभी को सेलेक्ट करके कर दूंगा मैं यहाँ से इसकी वैल्यू जीरो, मॉडिफाई फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अब इनके नाम देना भी स्टार्ट करता हूँ। तो ये लेफ्ट है अपना, तो गाइस ये राइट है, तो मैं राइट को नाम कर दूँ, कैप्स लॉक ऑन करूँगा, आर आई जी एच टी राइट अंडर स्कोर और स्नेह, ओके, एस एन डबल ई आर स्नेह अंडर स्कोर कंट्रोल सी ओ टी आर ओ एल कंट्रोल, और इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी कंट्रोल सी। अब इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर कंट्रोल वी, और यहाँ पे कर दूंगा लेफ्ट कैप्स लॉक एल ई एफ टी, ओके अंडर स्क्वायर एंटर, और इसको स्नेक, ठीक है कंट्रोल वी, क्लियर गाइस। तो इन सभी के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं इसको ज्वाइंट कर लेता हूँ, इससे इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा अटैच कर लेता हूँ हल्का सा ऐसे, ठीक है। वो इसको सेलेक्ट करूँगा, पी दबा दूँगा, देखो ये दोनों से हो गई, ये अलग है तो इसको भी सेलेक्ट करके पी दबा दूँगा, तो अब इससे अटैच हो गई। अब मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ से मॉडिफाई से फ्री ट्रांसमोशन फिर कर दूंगा, बराबर जीरो वैल्यू है। अब ये बता दूं मैं गाइज आपके, ये क्या, ये आपकी नोज, ये नाक होती है ना जो इसने, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कब काम करेगी मैं बता दूं। जैसे कि आपको किसी ने कुछ काम बताते हैं और हम किसी डिप्रेशन में रहते हैं, हम किसी से नाक चढ़ा के बात करते हैं, ठीक है, तो इसने इसमें ही आपका इस्तेमाल होता है। जैसे कि किसी को नाक चढ़ा के हम गुस्से से बात करना, नाक चढ़ा सीखे फुला सीखे इन टाइप से हम, तो इस में अर्थ आता है इसका। और जो मैंने ऊपर बनाया है ये सॉकेट, सॉकेट के बारे में बता देता हूँ। सॉकेट का होता क्या है गाइस, जैसे कि आपको किसी चीज़ पर अचानक से आपको किसी ने कुछ भी बता, अचानक से सोक, जैसे कि आप खड़े हो और अचानक से किसी ने आपको एकदम पीछे से रुकता हाय कर दिया, तो आप एकदम डर जाते हो, तो उसमें एकदम आपको शोक सा लगता है ना, तो उसको सॉकेट, हैरान होना, तो ये सब सॉकेट उसी में आता है गाइस, क्लियर। तो गाइस इसका भी मैं नाम कर देता हूँ, इसके बारे में भी आपको आज बता देता हूँ। तो ये जो आपका फेस है ना, ये इंटरफेस है गाइस आपका, तो गाइस इसका जो शॉर्टकट नाम है जी यू आई, जो हम इसकी फुल फॉर्म में आपको बता दूं, जनरल यूजर इंटरफेस गाइस, ओके। तो हम इसका शॉर्ट नाम यहाँ पे दे देंगे कैप्स लॉक ऑन एफ ए सी फेस अंडर स्क्वायर कैप्स लॉक ऑन जी यू आई और एंटर, ओके गाइस। और गाइज नेक्स्ट लेक्चर में जो हम जानेंगे इससे आगे के बारे में जान लेंगे। ओके नमस्कार दोस्तों।